सर मैं सांप तो आपको ऐसी ऐसी वैरायटी ला दूंगा कि आप देख के ही खुश हो जाओगे, हाँ ठीक है। बाकी रिक्स की बात है वो आप देख लेना, बाकी अमाउंट है ना, अमाउंट जो बता रहे हो ये तो बताया था उन्होंने, एलविस यादव भाई है ना, उन्होंने बताया था। अच्छा अच्छा एलविस जी ने दिया है नंबर आपको, हाँ हाँ ठीक है समझ गया। मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस OTT2 के विनर एलविश यादव का केस इन दिनों चर्चा में है। एलविश यादव पर जहरीले सांपों के जहर से नशा कराने और रेव पार्टी में उसे सप्लाई करने का आरोप लगा। इसके बाद उनके खिलाफ नोएडा पुलिस ने FIR दर्ज की, लेकिन अब इस मामले में FIR दर्ज करने वाले पुलिस वालों पर ही कार्रवाई हो रही है। एलविश यादव समेत 6 के खिलाफ FIR के बाद चर्चा में आए सेक्टर 49 थाने के प्रभारी हटा दिए गए हैं। थाना प्रभारी को पुलिस लाइन भेजा गया है। हालांकि पुलिस ने इस कार्रवाई के पीछे का कारण इस केस को ना बताकर अपराध नियंत्रण में नाकामी बताई है। बता दें कि एलविश यादव केस में अब पुलिस जांच तेज करने जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने एक अहम बैठक में इस पूरे केस की जांच नए सिरे से शुरू कर खुलासा करने के निर्देश दिए हैं। इस पूरे केस की नए सिरे से जांच में न्यायिक हिरासत में जेल जा चुके 5 सपेरों को फिर से रिमांड पर निकालने की तैयारी की गई है। सपेरों को ही पीपल फॉर एनिमल संस्था ने स्टिंग में फंसाकर सेक्टर 51 बुलाया था, जिस दौरान 9 सांप और 20 ML जहर बरामद हुआ था। इन सपेरों से बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग में एलविश यादव का नाम आया है। सर मैं सांप तो आपको ऐसी ऐसी वैरायटी ला दूंगा कि आप देख के ही खुश हो जाओगे, ठीक है। बाकी रिक्स की बात है वो आप देख लेना, बाकी अमाउंट है ना, अमाउंट जो बता रहे हो ये तो बताया था उन्होंने, एलविश यादव भाई है ना, उन्होंने बताया था। अच्छा अच्छा एलविश जी ने दिया है नंबर आपको, हाँ ठीक है समझ गया। तो एलविश जी से आप खुद ही पता कर लो ना क्या चार्ज लेते हैं। अरे भाई अब वही है ना, डायरेक्ट बात नहीं है, डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप समझा करो, आप ही सही करो यार। तो भाई साहब देखो मैं जो चीज मैं कह रहा हूँ, देखो 1000-2000 रुपए में मैनेज कर सकता हूँ, ट्रेनर है, 2500-3000 रुपए तो हमारे 3 ट्रेनर आएंगे, ठीक है, उनके हो जाएंगे 2000-2500 रुपए, गाड़ी नवेडा के चार्ज ले लेगी, और फिर 4-5 बंदे में बजाने वाले भी, तो 2 बंजे बीन वाले, 2 बंजे तुम्बा वाले रहेंगे, 3 ट्रेनर, 7 आदमियों का मैं तो ग्रुप लेके आऊंगा आपके लिए। अगर आप सिर्फ 3-4 लोग ही बुलाओगे तो वो ट्रेन ही करेंगे, फिर बजाएंगे कौन इनके लिए, क्योंकि सांप के साथ बीन और तुम्बे की धुन भी तो जरूरी है। तो एलविस जी तो हमें यहाँ स्टूडियो में भी बुलाते हैं इधर नवेडा, हेलो एलविस जी तो नवेडा स्टूडियो में भी बुलाया उन्होंने, काफी बार प्रोग्राम कराया नोएडा के, हाँ स्टूडियो में बुलाते हैं, प्रोग्राम कराते हैं, और ये अपना फिल्म सिटी है यहाँ पे भी किया है काफी बार प्रोग्राम। अच्छा अच्छा देखो भाई साहब मेरी बात सुनो, 31,000 रुपए हम लेते हैं एलविस जी से, बड़े आदमी है वो, बड़े आदमी है छोटे आदमी। पीपल फॉर एनिमल संस्था का आरोप है कि एलविश इनकी बुकिंग करवा कर रेव पार्टियों में बुलाया करते थे, वहां पर सांप के साथ शूटिंग होती थी और जहर का नशा भी होता था। सपेरों से बुकिंग के दौरान बातचीत की कई कॉल रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंपी गई है। अब नए सिरे से होने वाली जांच में उन रिकॉर्डिंग में जो तथ्य आए हैं उनकी पड़ताल पुलिस करेगी। ये जांच भी होगी कि सपेरे कहां कहां पार्टी में गए। इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि सपेरों का और अगर कोई रेव पार्टी होती थी तो उनके आयोजक के बीच में कनेक्शन क्या था। इन तथ्यों पर होने वाली जाँच से ये भी साफ हो जाएगा कि एलविश पर लगे आरोपों में कितनी सच्चाई है। पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग की जाँच भी लैब से कराने का निर्णय लिया है, इससे ये स्पष्ट होगा कि कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। बता दें कि इस केस में एक और कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, इसमें भी एलविश यादव का नाम कई बार लिया गया है। इस तरह केस में सपेरों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर कई खुलासे हो सकते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि इस केस में पुलिस कब सपेरों को रिमांड पर लेती है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।